डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बताया था। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर ही हम लोगों का कंटिन्यू हो रहा है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमने देख लिया था, क्या क्या चेक कर लिया था, क्या क्या पढ़ लिया था। सेलिवरी ग्लैंड्स के बारे में हो चुका था, और उसके बाद फिर आपके पैंक्रियाज और लिवर के बारे में हो चुका है। आज हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम्स के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि ये एंजाइम क्या है। ये एंजाइम बायो कैटलिस्ट है। बायो कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? बायो कैटलिस्ट का मतलब होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर दे, इंक्रीज कर दे। आखिर ये क्यों इंक्रीज कर देता है? इंक्रीज एंजाइम किसी भी रिएक्शन को इसलिए कर पाता है क्योंकि ये एंजाइम करता क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड है उसको लो कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इसके बारे में डिटेल हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। तो एंजाइम कर क्या रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर रहा है, जिसके वजह से क्या होता है, कोई भी रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। आप देखते होंगे कि जब कभी भी आपको कोई इन्फेक्शन होता है तो उस टाइम में क्या होता है, इन्फेक्शन जैसे ही होता है तो आपके बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर आपका 37.5 के आसपास में रहता है, लेकिन टेम्परेचर आपके बॉडी का इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि फीवर हो गया। तो ये जो फीवर है वो क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ एंजाइम की एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाता है, और हमारा बॉडी क्या होता है, उससे लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, इसलिए बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और ये 40 डिग्री सेल्सियस तक एंजाइम बहुत ज्यादा ऑप्टिमम लेवल पे यूज हो जाता है, और उसके बाद ये फिर इसकी एक्टिविटी कम होने लगती है। तो हमने ये देख लिया। हम ये देखते हैं कि जो भी एंजाइम्स होता है, मैं या आप जानते होंगे, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ चुके होंगे कि एंजाइम प्रोटीनियस नेचर का होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे आरएनए एंजाइम्स। ये आरएनए एंजाइम्स क्या होता है, आरएनए एंजाइम में राइबोजाइम और राइबोन्यूक्लियस भी, ये प्रोटीन नेचर का नहीं होता है। जो एंजाइम है, इस एंजाइम में जगह जगह पे एक पॉकेट्स बना होता है, जिसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। हम समझने के ख्याल से बोल सकते हैं वो अट्रैक्टिव साइट है, वो सबस्ट्रेट को अट्रैक्ट करता है। जब सबस्ट्रेट को अट्रैक्ट करता है और जब सबस्ट्रेट उसमें जाके फिक्स होता है, तभी जाकर के इसके बॉन्ड्स में चेंजेस आता है, इसका बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होता है और नया प्रोडक्ट बनाता है। इसके बारे में भी हम बायोमोलिक्यूल्स में डिटेल में जानेंगे। अभी फिलहाल हम वन बाय वन डाइजेस्टिव एंजाइम्स से रिलेटेड बात करते हैं। बकल कैविटी से स्टार्ट करते हैं। बकल कैविटी में हम जानते हैं, अगर हम बकल कैविटी की बात करते हैं, तो ये बकल कैविटी में एंजाइम कौन सा है, सेलिवरी एमाइलेज एंजाइम। ये जो सेलिवरी एमाइलेज एंजाइम है, ये जिसको हम ptyalin भी बोलते हैं, ये pH 6.8 पे सेलिवरी एमाइलेज एक्ट करता है। इसके लिए एक और भी कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है कि ये क्लोराइड के प्रेजेंस में एक्ट करता है, और इसी के प्रेजेंस में हम जानते हैं कि ये स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो हमने ये देख लिया, स्टार्च को माल्टोज में ये
कन्वर्ट कर दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि जो कोई भी एंजाइम होता है, ये एंजाइम एक पर्टिकुलर पीएच पे ही एक्ट करता है और उसके लिए कोई ना कोई मेटालिक आयंस भी होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैग्नीशियम Mg2+, ये जो मैग्नीशियम होता है ये मोर देन 300 एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। इसी तरीके से किसी में कॉपर आता है, किसी में जिंक आता है, तो इस तरीके का सारी चीजें। जैसे जिंक, जिंक के बिना, ये जो जिंक होता है, इस जिंक के बिना आपका क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज काम नहीं कर सकता है। और आपको मालूम ही है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज कितना इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम आपके ब्लड में होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। आरबीसी में कार्बोनिक एनहाइड्रेज पाया जाता है, आरबीसी ऑक्सीजन को भी कैरी करता है और आरबीसी में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होने के प्रेजेंस के वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये देख लिया कि बहुत सारे मेटालिक आयंस होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है और इसके लिए इसका होना बहुत जरूरी भी होता है। हम वन बाय वन करके देखते हैं। तो हमने देख लिया कि बकल कैविटी, बकल कैविटी में हमने ये देख लिया कि ये बकल कैविटी में स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है और इसने 6.8 पीएच पे एक्ट करता है, क्लोराइड के प्रेजेंस में एक्ट करता है और माल्टोज बनाता है। अब आते हैं अब किस पे, स्टमक पे। जहां तक स्टमक की बात है, हम जानते हैं कि इस स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, इसलिए पेप्सिन एंजाइम होता है और पेप्सिन एंजाइम के साथ साथ रेनिन एंजाइम होता है। अगर हम दूसरा देखते हैं, मैंने बताया कि ये स्टमक के बारे में, तो एक पेप्सिन, दूसरा रेनिन और तीसरा इसमें रेनिन के बाद गैस्ट्रिक लाइपेज। ये तीनों होता है निश्चित रूप से। ये पेप्सिन हो, रेनिन हो या गैस्ट्रिक लाइपेज हो, चूंकि स्टमक में है तो स्टमक का पीएच जो होगा ये कितने पीएच पे काम करता है, तो 1.8 से लेकर के 3.2 के पीएच पे एक्ट करता है। 1.8 से लेकर के 3.2 के पीएच पे ये एक्ट करता है। ये पीएच इसके लिए फेवरेबल होता है और इसी में ये मैक्सिमम वर्क कर सकता है। ये जो रेनिन होता है, यहाँ स्पेलिंग पे जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इस रेनिन से रिलेटेड एक और भी रेनिन होता है RENIN, जो कि हार्मोन होता है। हम रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अक्सर ये दोनों कंफ्यूज करके एग्जाम में दिया जाता है, आप इस पे ध्यान रखें। ये किस पे एक्ट करता है, ये मिल्क प्रोटीन पे एक्ट करता है, मिल्क प्रोटीन पर एक्ट करता है। और ये जब मिल्क प्रोटीन ये प्रेजेंट किस में होता है, इन्फेंट में प्रेजेंट होता है। तो अक्सर ये जो मिल्क प्रोटीन पे एक्ट किया तो बनाएगा क्या, कैल्शियम प्रोकैसनेट बनाता है, तो हमने ये देख लिया। इसी तरीके से गैस्ट्रिक लाइपेज रियल मायने में स्टमक में बहुत नेग्लिजिबल काम कर पाता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम रहता है। लाइपेज एंजाइम खास करके एल्कलाइन मीडियम में ज्यादा काम कर पाता है, इसीलिए फैट का बहुत कम नेग्लिजेबल यहाँ पे ब्रेकडाउन हो पाता है। हम आते हैं इसके बाद, स्टमक के बाद लीवर की बात करते हैं। तो लीवर में क्या निकलता है, बाइल निकलता है लीवर के सिक्रेशन से और उसमें कोई भी एंजाइम्स नहीं होता है, ये क्वेश्चन अक्सर आता है, तो आप इसको जरूर देख लीजिए कि बाइल में नो एंजाइम। तो हमने ये देख लिया कि बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, बाइल के बाद आगे का पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज में देखते हैं, पैंक्रियाज में मैं जब पैंक्रियाज बता रहा था तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि इसमें ऑलमोस्ट 6 एंजाइम्स होते हैं। जो 6 एंजाइम्स होता है, सभी ये जो एंजाइम्स होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो
तो मैंने बताया कि पैंक्रियास में जितने भी एंजाइम्स हैं वो इनएक्टिव है जैसे ट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, इसी तरीके से आपका काइमोट्रिप्सिन, और उसके बाद आप देख लेंगे कि इसमें भी लाइपेज होगा, पैंक्रियाटिक लाइपेज होता है, और उसके बाद आपका न्यूक्लियेज होता है, एमाइलेज होता है, ये सभी एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। मैंने क्या क्या बताया, जो कुछ भी मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं वो डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन रहेगा, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन से जरूर आप देख लीजिएगा। मैं फिर से दोहरा देता हूं कि ट्रिप्सिन होता है, काइमोट्रिप्सिन होता है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज होता है, एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है और न्यूक्लियेज होता है, ये सभी 6 एंजाइम्स होते हैं। ये सभी इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और ये एक्टिव कब होता है, जब पैंक्रियास से निकल करके और ये ड्यूडेनम में आता है, तो ड्यूडेनम के वाल से एक इंटरोकाइनेज एंजाइम्स निकलता है, और ये इंटरोकाइनेज एंजाइम अल्टीमेटली क्या करता है, ये इंटरोकाइनेज एंजाइम अल्टीमेटली ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, और ये ट्रिप्सिन वन बाय वन सभी को एक्टिव कर देता है। तो हमने ये देख लिया, इसके लिए जो फेवरेबल पीएच होता है, ये फेवरेबल पीएच 7.1 से लेकर के 8.3 तक होता है। तो हमने बताया इसके लिए 7.1 to 8.3 तक होता है, सभी अलग अलग सबस्ट्रेट पे काम करता है। एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो आप काइमोट्रिप्सिन है, ये काइमोट्रिप्सिन भी मिल्क प्रोटीन पे एक्ट करता है, तो मिल्क प्रोटीन पे एक्ट करने वाला एक काइमोट्रिप्सिन भी हो गया और दूसरा रेनिन भी हो गया, अब इस थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा था। अब आते हैं दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड एंजाइम्स। स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड एंजाइम्स 9 है। मैं फिर बता रहा हूं कि ये सभी एंजाइम्स को डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एंजाइम्स होते हैं वो कौन कौन सा एंजाइम्स होता है, इंटेरोकाइनेज होता है, इरिप्सिन होता है, डाइपेप्टिडेज होता है, लाइपेज होता है, माल्टेज होता है, लैक्टेज होता है, और उसके बाद न्यूक्लियोसाइडेज होता है, न्यूक्लियोटाइडेज होता है, और फिर लाइपेज भी होता है। 9 टोटल एंजाइम्स है। तो हमने ये देख लिया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से इतने सारे एंजाइम्स रिलीज हुए। लार्ज इंटेस्टाइन की जहां तक बात है तो इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होता है। जितने भी एंजाइम्स हैं ये सभी एंजाइम्स अपने सबस्ट्रेट पे वर्क करेगा, जैसे ट्रिप्सिन प्रोटीन पे एक्ट करेगा, जैसे पेप्सिन प्रोटीन पे एक्ट करेगा, पेप्टोन्स बनाएगा, और जो कुछ भी टूटा हुआ चीज है अगर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में है तो ठीक है, नहीं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा और वहां जाकर के प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर जो भी चीज है वो स्मॉलेस्ट पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाएगा ताकि उसका एब्जॉर्ब कर सके। इसके लिए हम लोग आगे का चैप्टर जब पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड, जिसमें कि स्टमक में डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन, हर तरीके का कहाँ कहाँ पे किस चीज का डाइजेशन हो रहा है, तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे कि किस किस चीज का कैसे डाइजेशन हुआ। तो अब हम ये पैंक्रियाटिक एंजाइम्स का कंप्लीशन हो चुका है, लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ही मैं अपना क्लास बंद करना चाह रहा हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग बायोलिव एकेडमी।